आज बनाएगी मैं बैगन भाजा। हाय फ्रेंड्स, आज जो बनाएगी मैं बैगन भाजा, उसको बनाने के लिए हमको ये ग्रीन वाला बैगन ही चाहिए। पर्पल वाला बैगन से भी अच्छा होता है, लेकिन अच्छा ग्रीन वाला बैगन से ही होता है। और इसको हम इस तरह से तिरछा तिरछा करके हम बैगन को काट लेंगे और देख लेंगे अच्छी तरह से कोई कीड़े वगैरह नहीं है। उसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे, धो करके इस तरह से लेंगे। और इसमें अभी हम देंगे एक नमक और हल्दी। नमक हल्दी मिला करके उसको हम 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि उसमें से जितना पानी हो वो निकल जाएगा। लेकिन हमको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने हो जाने के बाद जो है ना, फ्राई करने में फ्राई जो है अच्छा नहीं होगा। फ्राई इस तरह से जब हम रखेंगे तो पानी निकल जाएगा, वो पानी को हमने फेंक देना है। और फिर हम इसमें देंगे अभी मसाला। बैंगन का तो अपना कोई स्वाद नहीं होता, इसको हम अभी चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर दिए, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर दिए, और 1/2 चम्मच दिए टाटा संपन्न का मसाला, और 1/2 चम्मच दिए आमचूर पाउडर। इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना है, इसीलिए थोड़ा खट्टा। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो चाट मसाला देने से भी अच्छा लगेगा। दोनों में से आप कोई एक दीजिए। और इसको अभी हम कोटिंग के लिए हम लिए सूजी, 2 चम्मच सूजी। 2 चम्मच सूजी में हम 2 पिंच नमक देंगे। नमक देने से उसका जो है, जब हम उसको फ्राई करेंगे तब उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, इसलिए 2 पिंच हम इसमें नमक दिए। ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि पहले भी नमक दिए हैं। और इसको इस तरह से हमको कोटिंग कर लेना है। मैं इतना दूर तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपके चला जाए आपके पास। और वीडियो अगर देखने के बाद अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो ज़रूर एक कॉमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इस तरह से कोटिंग कर ली, और अभी हम इसको फ्राई भी करेंगे और सेलो फ्राई भी करेंगे। हम दोनों तरह से करके दिखाएंगे, इसीलिए मैंने पहले सेलो फ्राई के लिए एक तवा लिया है। तवा में तेल दिए, मैंने इतना तेल यूज़ किया, आप इससे भी कम तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम 1 पिंच हल्दी दिए। हल्दी इसलिए देते हैं कि जो है ना, तेल बाहर नहीं आए तवा से उसके। और इसमें हम बैंगन को सजा देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, और इसको सजा करके 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि बैंगन जल्दी से कुक हो जाए। इस तरह से देखिए मेरा बैंगन भी बन गया। और फिर अभी हम इसको आपको डीप फ्राई करके भी मैं दिखाएगी। इसके लिए भी मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। बैंगन का रेसिपी हरदम सरसों का तेल में ही अच्छा लगता है। आप लोग जो तेल यूज़ करते हैं उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सरसों का तेल यूज़ करें। इस तरह से उसको हम फ्राई करके भी खा सकते हैं। मेरा वीडियो देख